हम लोग जावा वेरिएबल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्लास के साथ में ऑब्जेक्ट बना के यूजर इनपुट लेना, वो भी हम देख चुके हैं। मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो, आज हम बात करने वाले हैं जावा के अंदर आउटपुट के लिए। फाइल बना लेते हैं, आउटपुट स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो एक चीज, हम लोग कुछ भी प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये वाला यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हेलो जाओ। अब जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हेलो जावा को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आया सिस्टम देन आउट और प्रिंट एलन। ये आपको पता चल गया कि पैरेंथेसिस के साथ अगर है तो ये प्रिंट एलन एक मेथड है, एक फंक्शन है जो क्या करेगा, जो भी पैरामीटर एज स्ट्रिंग इसके अंदर पास किया जाएगा उसको प्रिंट कर देगा। या हम डायरेक्ट वेरिएबल नेम इसके अंदर पास करते हैं तो उसकी वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। इससे पहले जब हम स्कैनर क्लास के साथ यूजर इनपुट ले रहे थे तो हमने देखा था कि इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर ये वाली चीज़ देखी थी। अब देखो जावा के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज बनाई गई है, जावा डेवलपर कम्युनिटीज़ ने बना के पहले से तैयार हमको मिलती है। जावा डेवलपमेंट किट जो JDK हम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, उसके अंदर ये सारी चीज़ें एक साथ वो बंडल हमें मिलता है। जावा मेन क्लास है, उसके बाद की सब क्लास है यूटिलिटी यूटिल, और उसके बाद है स्कैनर क्लास जिसके अंदर हमें स्कैनर क्लास से रिलेटेड सारे फंक्शंस मिलते हैं। ठीक है, अब यही सेम चीज़ यहाँ देखो, यहाँ क्या सिस्टम एक क्लास है, ठीक है, उसके बाद आउट इस क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टैटिक वेरिएबल है और उसका एक फंक्शन है प्रिंट जो क्या करेगा, कुछ पैरामीटर लेगा और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर ये ln जो लिखा है वो इसलिए लिखा है, हम लोग लिखते हैं \n, ये इसके आगे का ये इतना प्रिंट करेगा हेलो जावा, उसके बाद में जो हमारा कर्सर होगा वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। ठीक है, अब देखो इतनी चीज समझ में आई। हम लोग सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हेलो जावा, अगर हम इसको ऊपर कर लेते हैं, इस कोड को अगर रन करेंगे तो क्या आना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा सुन टू। अब इसको रन करके देखते हैं, ये देखो क्या आया, इसने पहले स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया और जस्ट उसके आगे सेकंड वाले स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। नीचे वाले में क्या किया इसने,
जो स्ट्रिंग है उसको अगर हम इसको ऐसे प्रिंट करें, अब देखना, इसने स्ट्रिंग को प्रिंट किया, उसके बाद कर्सर को लिया है नेक्स्ट लाइन में और फिर नेक्स्ट वाले स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया, समझे। अब देखो एक वेरिएबल बनाते हैं ए इक्वल्स टू 10, और हम लोग अगर इसके अंदर ए की वैल्यू पास करते हैं तो ये ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा। देखो एक तीसरा मेथड और बताता हूँ, जो लोग हम लोगों ने सी और सी प्लस प्लस में पढ़ा था स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के थ्रू, सी में हम कैसे लिखते थे परसेंट डी, उसके बाद जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू यहाँ प्रिंट करनी है, हमारा इंटीजर टाइप का तो हम परसेंट डी लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ इसमें डाल देते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग लाइक सी सी प्लस प्लस, अब देखना आप ये देखो अब भी प्रिंट हुआ, अपना सेम काम हुआ। तो ये वाला फायदा है जावा में, अगर आप सी और सी प्लस प्लस करने के बाद में अगर जावा पे शिफ्ट हो रहे हो तब भी आप सेम सिंटेक्स पाते हो यहाँ पे, ठीक है। ये बात हो गई जावा के अंदर आउटपुट की, और इनपुट हम लोगों ने स्कैनर क्लास के साथ में ऑब्जेक्ट बनाकर फिर यूजर इनपुट लेना भी सीख लिया था, वो वाली वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।